देखिए, अगर मैं इंडिया की नहीं बात करता, अब मैं आपसे पूरे एशिया की बात करता हूँ। एशिया के अंदर 50% से ज्यादा लोगों का फैटी लीवर है, उनको मालूम नहीं है सर। 50% से ज्यादा लोगों का। अब रही बात कैंसर की, अगर मैं बात करता हूँ फीमेल के बीच में, पिछले 4-5 साल से कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज फीमेल्स कॉस्मेटिक सस्ता चीप क्वालिटी का कॉस्मेटिक, लिपस्टिक हो गया, जो भी क्रीम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, उसमें इतने ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। जब हम उसको अप्लाई करते हैं हमारी स्किन में, हमारी स्किन के पोर्स, हमें जब स्वेटिंग आती है, आप अपने पसीने का और अपने यूरिन का अगर आप केमिकल टेस्ट करवाते हैं, तो जो पसीने का कॉम्पोजिशन आता है वही आपके पेशाब का आता है। तो यानी हमारी बॉडी अपने आप टॉक्सिन्स को बाहर फेंकती है, बट जब हम उसपे अनवांटेड अपने लिपस्टिक पे या यूज करते हैं, वो मेरे स्किन के पोर से मेरे ऑर्गन में जाता है। अब अगर मैं जहर रोज पीऊंगा तो सर क्या होगा, मेरा ऑर्गन सड़ेगा। तो उस वजह से फीमेल को आती है। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, उनको लीवर कैंसर हो गया। किसी ने कभी सिगरेट नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया, उनको लंग कैंसर हो गया। वो परेशान होते हैं। उसका रीजन ये है, वो एक इंसान 15-20-25 साल से कैसे घर में रह रहा है, जमीन से भी अनवांटेड गैसेस निकलती है सर, लोगों को मालूम ही नहीं है, वो उनके ऑर्गन सड़ा रही है। अब ऑर्गन जब 75% 70% सड़ गया तो पकड़ में आ गया। तो जब हम इसको फाइटोबिस को यूज करते हैं, तो गलती से अगर सर मेरा ऑर्गन 5% 10% भी सड़ गया, अब किसी का हार्ट की आर्टरीज 80% ब्लॉक होने के बाद पकड़ में आती है, तो हम क्या करेंगे? अगर किसी का आर्टरीज 10% भी ब्लॉक है, ये ऑटोमेटिकली उस ब्लॉकेज को खोल देगा, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी क्रॉनिकल डिसीज नहीं आए। और अगर कोई क्रॉनिकल डिसीज आ गया है, तो ये उसको ऑर्गन को जब रिवर्स करेगा, रिवर्स करने का मतलब है, अगर किसी के लंग्स में आज भी अगर कोविड के पैचेस हैं और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, अगर वो इसको यूज करता है कुछ ही महीनों में, 2-3 महीने में वो पैचेस रिमूव हो जाएंगे सर। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तुसी जानकारी दी। हुण गल है, ये प्रोडक्ट जिहड़ा तुसी जिहनूं प्रमोट कर रहे हैं, तुसी इसे प्रोडक्ट नूं क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इहदे च की चीज है, इहदा बेस की है, किस चीज दे आधार दे उत्ते, किस थेरेपी दे आधार ते इह जिहड़ा प्रोडक्ट बनिया, इहदे की फायदा है? सर देखिए, ये जो फाइटोबिस प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको एक बॉक्स के अंदर ऐसे 30 सैचेट मिलते हैं। मैं आपको पूरा इसका साइंस समझाता हूँ। इस साइंस का नाम है न्यूट्रास्यूटिकल साइंस, जो ऑलरेडी एडवांस कंट्रीज में चल रही है। इसके अंदर एक पाउडर है 1.5 ग्राम का, यानी 1.5 ग्राम का पाउडर है, और वो पाउडर जो है एमडी फॉर्म में, एमडी मतलब माउथ डिजोल्विंग फॉर्म में है। इसको आपको यूज करना है, अगर आपने गोली का नाम सुना होगा सोर्बिटेट, जो हार्ट अटैक के पेशेंट जब भी हार्ट में पेन होता है जीभ के नीचे रख के यूज करते हैं। जीभ के नीचे रखने का भी एक साइंस है। जीभ के नीचे आप जो भी चीज डालोगे वो सीधा आपके ब्लड में चली जाएगी, ये नेचुरल कुदरत का रास्ता है। आपको कोई भी चीज ब्लड में डालनी है, जीभ के नीचे रखो, वो ब्लड में चली जाएगी। क्योंकि हमारी जीभ के नीचे लेफ्ट और राइट दो ग्लैंड होते हैं, उस ग्लैंड का नाम सबलिंगुअल ग्लैंड है। इसके अंदर जो भी चीज जाती है सीधा हार्ट में जाती है, और हमारा हार्ट 24 घंटे 365 दिन ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो जैसे ही इसका स्लाइवा हमारे ब्लड में जाता है, जितनी भी बीमारी हमारी ब्लड से रिलेटेड है वो ऑटोमेटिकली ठीक होती है। अगर आप देखेंगे, हम एक बार ब्लड सैंपल देते हैं 130 बीमारियों का रिपोर्ट आता है, तो सर 130 बीमारियां रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको ये स्लाइवा अपने मुंह में रखना है, किडनी के पेशेंट्स को छोड़ के कम से कम 2 गिलास पानी पीना है, और इसको अपने फूड पाइप में डाल लेना है। जब ये स्लाइवा हमारे फूड पाइप में जाता है, तब ये क्या काम करता है सर, अगर हमें बाहर चोट लगा तो हम डिटोल लगाते हैं या बीटाडीन लगाते हैं। अब अंदर अगर चोट लगा है, कोई सेल खराब है या टिश्यू खराब है, डिटोल को हम पी नहीं सकते, बीटाडीन को हम पी नहीं सकते। ये आपके अंदर के टिश्यूज और ऑर्गन कैंसर जैसी जख्म को ये भरने का काम करेगा, क्योंकि इसमें जो फ्रूट्स डले हैं वो नेचुरल फ्रूट्स हैं, यूरोप के, स्विट्जरलैंड के। और उन फ्रूट्स में सबसे पहला फ्रूट जो मैं आपको बताऊंगा, मालुस डोमेस्टिका फाइटोसेंटेक टीएम, वो ऐसा ग्रीन एप्पल है, नेचर कुदरत का ऐसा है, जो सर सेब 10 से 12 महीने सड़ता नहीं है। सड़ने का मतलब ऑक्सीडेट नहीं होता। तो जब वो मेरे सिस्टम बॉडी में जाता है तो मेरे ऑर्गन को ऑक्सीडेट होने से बचाता है। दूसरा उसके अंदर क्वालिटी है, किसी ने अगर उसके छिलके के ऊपर कट मारा, 15 मिनट में वो कट भर जाता है। तो जब ये मेरे अंदर जाता है तो यही काम वो करता है, मेरे अंदर के सेल्स और टिश्यू को हील करने का। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੀ ਦੇਖੀਏ, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, तो मैंने आपको पहले बताया दिस इज न्यूट्रास्यूटिकल। ये प्रोडक्ट हाईली एंटी ऑक्सीडेंट और हाईली एंटी टॉक्सिन दोनों काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। इंडिया के अंदर फाइटोविस के इक्विवेलेंट अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि नैसफिस ने जो इसके ऊपर 11 जो मैंने आपको बताया
इंटरनेशनल फूड एडिबल सर्टिफिकेशन लिए हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में उठा के देखेंगे उसके ऊपर एक या दो सर्टिफिकेशन मिलेंगे। 11 सर्टिफिकेशन का मतलब है ये 100 नहीं 200% हर सरकार ने इसको रेकमेंड किया है जी। और अगर गलती से कोई इसकी ओवरडोज, मतलब अगर मैंने एक पाउच आपको रेकमेंड किया है और अगर मैंने गलती से 5 पाउच भी ले लिए, आप यही समझिए कि सिर्फ आप फ्रूट ले रहे हैं बट फ्रूट का फॉर्मुलेशन मैंने चेंज कर दिया है, पहली चीज। दूसरी, फ्रूट हिंदुस्तान का नहीं, ओके, फ्रूट स्विट्जरलैंड का है। जो हमारी पेरेंट कंपनी है उस कंपनी का नाम है मिबेल ग्रुप ऑफ बायोकेमिस्ट्री और उसके जो फाउंडर है जिनका साथ हमारा ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ है उनका नाम डॉक्टर फ्रेड जूली है। उन्होंने 32 प्लांट बेस्ड, ये दिस इज कॉल्ड स्टेम सेल थेरेपी जी, जैसे आप देख रहे हैं आजकल न्यूज में स्टेम सेल, दिस इज प्लांट स्टेम सेल थेरेपी। जब आप अपने सिस्टम में डालते हो ये ह्यूमन स्टेम सेल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेट करता है और आपके ब्रेन के अंदर सिग्नल प्रोड्यूस करता है। जिस भी, जैसे मैं फीमेल की बात करता हूँ, आजकल लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते, इररेगुलर आते हैं, ओवर ब्लीडिंग होता है, सिस्ट हो जाता है, पीसीओडी हो जाता है, यूट्रस निकालना पड़ता है, ठीक है ना। बीमारी एक्चुअली में कहीं और है, ट्रीटमेंट कहीं और है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर सर मेरे हाथ में चोट लगा है जी और मैं अगर अपने पैर में पट्टी बांध रहा हूँ तो हाथ का जख्म ठीक नहीं होगा जी। मुझे ठीक करना है हाथ का जख्म तो हाथ में पट्टी बांधनी पड़ेगी। तो जब मैं इसे अपने सिस्टम में डालता हूँ ये वहीं पर जाके ट्रिग होता है या ट्रिग एक्टिवेट होता है जहां पर बीमारी है। तो अगर जैसे आप देखेंगे थायराइड, आर्थराइटिस, विटामिन डी, कैल्शियम, ये बीमारी लेडीज को ज्यादा है, जेंट्स को कम होती है। लोग समझते नहीं है, क्यों? क्योंकि लेडीज का जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उनकी ब्लीडिंग के साथ उनका आरबीसी रेड ब्लड सेल निकल जाता है जी, मेंस का नहीं निकलता जी, जी। तो साइंटिफिकली उसका वो बीमारी उनके पास आ जाता है क्योंकि आरबीसी ज्यादा निकल रहा है। तो जब हम इसको कंज्यूम करते हैं अगर मेरा आरबीसी का लेवल नीचे आ रहा है तो ये मेरे आरबीसी लेवल को ऊपर बढ़ा देगा। इसी तरीके से मेरी बॉडी में मेन 3 सेल होते हैं, आरबीसी, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स। तो जब ये मेरे 3 मेजर सेलों को इक्विवेलेंट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो बाकी सेल ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी अगर इतनी आप तारीफ कर रहे हो इस प्रोडक्ट की और इसको प्रमोट कर रहे हो तो ये भी गल नाल दी नाल साडे दर्शकां नूं जरूर दस दिओ कि इहदा जिहड़ा अवेलेबिलिटी है ये कित्थों मिलदी, हर मेडिकल स्टोर तो मिलती है भी जां कित्थों मिलती है जी? नहीं देखिए, मेडिकल स्टोर में आपको ये नहीं मिलेगा बिकॉज ये एक एक्सक्लूसिव ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब एक एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशन है जो हमारी पेरेंट कंपनी मिबेल ग्रुप ने हमारी कंपनी के लिए डेवलप किया है। तो ये प्रोडक्ट जो है, नीचे स्क्रॉल में मैं आपको नंबर दिखाऊंगा, वो नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके अपनी बीमारी का डिस्कस करके आप ले सकते हैं। और आपको ये प्रोडक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म यानी मेरे कंपनी के प्लेटफॉर्म से मिलेगा और कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। और किसी भी बीमारी में बोलूंगा, अभी मैं बात कर लेता हूँ डायबिटीज से लेके कैंसर तक और एसिडिटी से लेके किडनी फेलियर तक, किसी भी बीमारी से अगर आप परेशान हैं, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 55 कंट्रीज के अंदर प्रूवन है जी। और अगर आप यूट्यूब में इसका सिर्फ नाम डालेंगे या गूगल में नाम डालेंगे तो आपको 100, 200, 500 नहीं, कम से कम 10,000 से ज्यादा टेस्टिमोनी आपको मिलेंगे। और ये टेस्टिमोनी प्रूफ करते हैं कि जब मैं आपके चैनल पे आने से पहले इसको सोशल मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद इंडिया के हर स्टेट में हजारों टेस्टिमोनी में हर बीमारी के ऊपर ऑलरेडी ले चुका हूं। एक जरूर आम जरा लोग ने, क्योंकि ये बीमारी है अमीरी या गरीबी पूछ के तो नहीं रही है, सिस्टम सारे एक हो जाए, पर आम लोग ये सोचते हैं कि साडा तो रोटी पानी जरा उसके नाल गुजारा बड़ी मुश्किल ना हो रहा, यह बीमारियां होते असि महंगी दवाइया अगे साडे लिए समस्या। तुसी कृपा करके जरूर दसो कि किन्ना कॉस्टली पैंदा, ऑन एन एवरेज किन्ने की खुराक पैंदी है और किन्नी देर लेनी पैंदी है, किन्नी देर चे रिजल्ट आ जाते हैं? सर देखिए, आइडियली जो हमने इसका कोर्स बनाया है वो 60 डेज का बनाया है। 60 डेज का इसलिए बनाया है बिकॉज बाय नेचर मेरे ब्लड के एक सर्कल को पूरा होने में 45 दिन का टाइम लगता है। लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है, मेंस का पुराना खून अंदर जल जाता है, नया खून बन जाता है, इसीलिए बोला जाता है ब्लड डोनेट कर दो नया ब्लड बन जाएगा। मतलब 2 महीने मिनिमम 2 महीने का लेना है। और अगर कोई क्रॉनिकल डिसीज का पेशेंट है तो उसको 4 से 6 महीने पैरेलली मैं आपको एक डाइट प्लान रेकमेंड करता हूँ, वो डाइट प्लान को फॉलो करना है। और ये गारंटीड है कि आपकी कोई भी क्रॉनिकल डिसीज होगी, जब आपके वो सेल, बैड सेल हटने स्टार्ट हो जाएंगे और नए सेल बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी स्किन नेचुरल तरीके से, पैरेलली आपके ऑर्गन नेचुरल तरीके से हील होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप किसी भी बीमारी के लाखों रुपए जो आप लगा रहे हैं वो आपका लाखों रुपए तो सेव होगा। अभी मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, बट मैं अपने एक ऑर्गन को बचाने के लिए, अभी आपको मालूम है झुंझुनवाला सर का बॉम्बे में डेथ हुआ, उनके पास लीगल
30,000 crore से ज्यादा का एसेट है जी। मरने से पहले, डेथ होने से पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था हॉस्पिटल के अंदर कि इतना पैसा एसेट कमाने में मैंने जितना टाइम एनर्जी अपना लाइफ लगाया उसका 10% अगर मैं अपने ऑर्गन के साथ लगाता तो आज शायद मैं उस पूरी एसेट को 30,000 crore को एंजॉय कर सकता था। क्योंकि एक ऑर्गन बचाना सर, मैं अगर अपने लाखों करोड़ों रुपए भी लगा दूंगा ऑर्गन नहीं बच सकता। तो एक छोटा सा, आप अगर इसके फाइटोविस को थोड़ा सा रिसर्च स्टडी करके लेते हैं तो आप किसी भी बीमारी से अपने आप को और अपनी फैमिली वालों को बचा सकते हैं सर। जी बहुत धन्यवाद, तुसी बहुत अच्छी जिहड़ी जानकारी आ ओह साडे दर्शकां नूं दित्ती है ते साडा जिहड़ा नंबर चल रहा हेठां उहदे तों लोकी जिहड़ी आ ओह सलाह मशवरा वी जिहड़ा इहदा कर लैणगे। ते पर गल इह आ वी जांदे जांदे असीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਾਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੋਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜਾ सर देखिए ऑर्गन काटना इज नॉट अ सोल्यूशन। ऑर्गन काटने का मतलब है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, किसी की फीमेल का यूट्रस निकाल देने का मतलब है उसको परमानेंटली, आप जब तक वो जिंदा रहेगा इस अर्थ पे, हैंडीकैप बन जाता है, अपाहिज। तो हमें किसी को अपाहिज नहीं बनाना है, हमें उस बीमारी का रूट कॉज निकालना है ताकि उस पेशेंट का हम लोग कोई भी ऑर्गन, अगर मैं एक इंसान का भी ऑर्गन और एक इंसान की भी लाइफ बढ़ा सकता हूं तो इससे बड़ा आज की डेट में सर कोई काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सगे डॉक्टर विकास कोहली जिन्होंने अपने तजर्बे दे विचों एक ऐसा प्रोडक्ट जिहड़ा जिन्हों प्रमोट कर रहे लगातार उहदे विच पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक जिहड़े जांदे ने, अज पंजाब दे विच आए हुए, जलंधर दे विच आए हुए, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ी अपनी सानू जानकारी दित्ती आ। उम्मीद करदे आ कि जिहड़ा इह प्रोडक्ट आ इह बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं, मैं इहदे ते गल कर रहा सी साथियों नाल ते लगदा कि उन्ना ज्यादा महंगा नहीं जिन्ना आपां सोचदे आ, ते साडे नाल जिहड़े अंग आ उह बच जाणगे और असीं अपाज होण तों बच जावांगे। असीं ओपरेशन करा के जिहड़ियां बहुत सारियां शरीर नूं समस्यावां जिहड़ियां उह तों वी जिहड़े आ उह बच सकदे आ। अगर जिवें डॉक्टर साहब कहिंदे ने कि किसी एक इंसान का भी असीं उह अंग बचा जाइए, किसी एक इंसान नूं भी लखां दे बोझ थले करजे थले दब के महंगे इलाज कराउण तों बचा पाईए तां बहुत वड्डी प्राप्ति होएगी। उम्मीद करदे आ तुहानूं इह ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਿਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਹਰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਗਣ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟੋਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।